Epilepsy is a heterogeneous symptoms complex, a chronic disorder characterized by recurrent seizures. What are seizures? Seizures are finite episodes of brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neurons. Seizures are finite episodes of brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neurons. What are seizures? Seizures are finite episodes of brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neurons. What is epilepsy? Epilepsy is a heterogeneous symptoms complex, a chronic disorder characterized by recurrent seizures. What are seizures? Seizures are finite episodes of the brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neurons. सिंपल वर्ड के अंदर आप कह सकते थे एपिलेप्सी एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसके मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स हैं, पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं, जो एपिलेप्सी के अंदर फिट्स पड़ते हैं, कुछ के अंदर फिट्स नहीं पड़ते। कहते हैं जब एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं तो बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा ATPs प्रोड्यूस होती है। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर सीजर ऑफ फाइनाइट एपिसोड ऑफ द ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स, नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, ATPs रूट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं, बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। कहते हैं कि दुनिया के अंदर 1% पॉपुलेशन जो है वो एपिलेप्सी से सफ़र करती है, माइग्रेन स्ट्रोक अल्जाइमर के बाद ये सबसे बड़ी डिजीज़ है। अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो दुनिया के अंदर 1% जो पॉपुलेशन जो है वो एपिलेप्सी से सफ़र करती है, माइग्रेन और स्ट्रोक और अल्जाइमर के बाद ये मोस्ट कॉमन डिजीज है। कहते हैं कि एपिलेप्सी अगर किसी ट्रॉमा की वजह से हो, इसके जेनेटिक बेसिस भी हैं और ट्रॉमा बेसिस भी हैं। अगर एपिलेप्सी किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो, स्ट्रोक या इन्फेक्शन की वजह से हो, तो इस तरह की एपिलेप्सी को सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी कहा जाता है। अगर एपिलेप्सी किसी ट्रॉमा की वजह से हो, ब्रेन जिसमें ब्रेन की इंजरी हो जाए, फालत की वजह से हो जाए, या किसी इन्फेक्शन की वजह से एपिलेप्सी हो जाए, या ब्रेन के अंदर किसी ट्यूमर की वजह से हो जाए, इस तरह की एपिलेप्सी को सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी कहते हैं। मैनी केसेस ऑफ एपिलेप्सी आर द रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द ब्रेन एज अकर इन द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक और इन्फेक्शन, वेयर एज इन द अदर केसेस एपिलेप्सी इज कॉज्ड बाय अ ब्रेन ट्यूमर or developmental lesions such as cortical vascular malformation, these epilepsies are referred as symptomatic. कहते हैं epilepsy जो है infection की वजह से हो सकती है, फालज की वजह से हो सकती है, stroke की वजह से हो सकती है, brain के अंदर tumor की वजह से हो सकती है, इस तरह की epilepsy को symptomatic epilepsy कहा जाता है। कहते हैं कुछ cases के अंदर genetic base होती है, जेनेटिक बेस होती है, इस तरह की एपिलेप्सी को इडियोपैथी कहा जाता है, जो ट्रॉमा इंजरी, स्ट्रोक, इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से होगी उन्हें सिम्टोमेटिक कहा जाता है एपिलेप्सी, और जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होगी, जिन्हें ये समझा जाएगा कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो रही है, इस तरह की एपिलेप्सी को इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, पढ़ लीजिएगा इसको जो है। उसके अलावा कहते हैं एपिलेप्सी जो है हाइपोकैल्सेमिया की वजह से एपिलेप्सी हो सकती है, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल डाउन हो गए तो फिट्स पड़ सकते हैं। बॉडी के अंदर अगर जो है कैल्शियम के लेवल डाउन हो रहे हैं तो उसमें भी पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं। टॉक्सिन की वजह से पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं। फेब्राइल सीजर, बुखार, अगर फीवर आपका 105 से ऊपर चल जाए, स्पेशली इन द चिल्ड्रन न्यूनेट्स के अंदर, तो फिट्स पड़ते हैं, जिनको फेब्राइल फिट्स कहते हैं। कहते हैं एपिलेप्सी अगर ब्रेन की इंजरी की वजह से, स्ट्रोक या इन्फेक्शन की वजह से हो, इस तरह की एपिलेप्सी को सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी कहा जाता है। कहते हैं कुछ केसेस के अंदर जेनेटिक फैक्टर जो है वो भी इसके बेसिस समझे जाते हैं कि उनकी वजह से जेनेटिकली बेस एपिलेप्सी, उनको इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहा जाता है।
उसके अलावा अगर फीवर बच्चों के अंदर जो है 105 या 104 से ऊपर चला जाए फारेनहाइट से, तो फिट्स पड़ते हैं जिनको फेब्रिल सीजर्स या फेब्रिल फिट्स कहते हैं। उसके अलावा टॉक्सिन्स की वजह से, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स तो मेन के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक को फोकल कहते हैं, जो पार्शल सीजर्स कहते हैं, दूसरे को जनरलाइज सीजर कहते हैं। सिंपल बात है, फोकल के मीनिंग ये है कि स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, फोकल के मीनिंग ये है कि स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। जनरलाइज के मीनिंग ये है कि मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोकल या पार्शल का मतलब यह है कि ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, जनरलाइज के मीनिंग ये है कि ब्रेन के मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोकल ऑनसेट सीजर, पास के अंदर इनको पार्शल सीजर्स या पार्शल ऑनसेट सीजर्स कहा जाता था, which begin in a local cortical site, which start in a local cortical site, generalized onset seizure which involve in both brain hemispheres from the onset, local ke andar ye hai ki particle area jo brain ka wo involve hota hai, generalized ke andar brain ke dono hemispheres bhi involve ho sakte hain। अगर उसने फोकल सीजर जो उनकी एग्जाम्पल दिए, फोकल अवेयरनेस सीजर्स हैं, फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर्स हैं। तथा फोकल अवेयर सीजर जिन्हें प्रीवियसली सिंपल पार्शियल सीजर्स भी कहते हैं, उसके अंदर पेशेंट होश के अंदर होता है। अक्सर जब पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऑरा कंडीशन को कहते हैं जो एपिलेप्सी से पहले पेशेंट पे डेवलप होती है, पेशेंट को फील होना शुरू हो जाता है कि उसको फिट्स पड़ने वाले हैं। जब फिट्स पड़ते हैं तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। याद रखिएगा किसी भी फिट्स की जो टाइमिंग है फ्यू मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा फिट्स नहीं हो सकते। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको फिट्स जो है फ्यू मिनट से, ओनली फ्यू मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं, उसको एपिलेप्सी नहीं है, पेशेंट फंक्शनल भी हो सकता है, पेशेंट ड्रामा भी कर सकता है। फोकल अवेयर सीजर जिसे सिंपल पार्शियल सीजर भी कहते हैं, कहते हैं कि पेशेंट उसके अंदर कॉन्शियसनेस अपनी मेंटेन करता है, पेशेंट होश के अंदर होता है। फोकल इंपेयर्ड अवेयरनेस सीजर फॉर्मली कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एंड इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस, कहता फोकल इंपेयर्ड अवेयरनेस सीजर जो है इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस वो इंपेयर्ड होती है। अब टॉनिक क्लोनिक है, जर्की मूवमेंट्स होती है, टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस, इसके अंदर प्रीवियस प्रकार ग्रैंड मॉल, ग्रैंड का मतलब बड़ा होता है, बड़े बड़े फिट्स पड़ते हैं पेशेंट को, टॉनिक क्लोनिक प्रीवियस इनको ग्रैंड मॉल कहते हैं, पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं। बॉडी में स्टिफनेस होती है जिसको टॉनिक कहते हैं, और जर्क्स होते हैं जिसको क्लोनिक फेज कहते हैं। टॉनिक क्लोनिक के अंदर बड़े बड़े जर्की मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन बॉडीज की होती है, स्टिफनेस होती है, जर्की मूवमेंट्स होती है। कहते हैं टॉनिक क्लोनिक जो है वो क्रम से लास्ट 3 मिनट से कम होती है। टॉनिक क्लोनिक क्रम से जो कन्वर्जेंस है या जिनको ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहा जाता था पास के अंदर जो है, इसके अंदर पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट्स होती है। उसके अलावा कहते हैं इसका टाइम जो है 3 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट्स होता है, लेकिन जब पेशेंट के स्टार्ट के अंदर पेशेंट की बॉडी से जरूर से ज़्यादा एटीपीज़ बनते हैं जिसकी वजह से जर्की मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट की जो है जर्की मूवमेंट्स खत्म होती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है, कन्फ्यूज होता है, टायर्डनेस होता है। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर की अगर हम बात की जाए तो इसमें कहते हैं दोनों हेमिस्फायर इन्वॉल्व होते हैं। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर जो इसके अंदर दोनों हेमिस्फायर इन्वॉल्व होते हैं, बोथ हेमिस्फायर्स आर इन्वॉल्व। जनरलाइज एब्सेंट सीजर जो है पास के अंदर इनको पिटेट माल भी कहते हैं, जनरलाइज एब्सेंट सीजर जो है पास के अंदर इनको पिटेट माल भी कहते हैं। कहते हैं इसके अंदर जो है पेशेंट अनकॉन्शियस होता है बहुत थोड़े टाइम के लिए, जनरलाइज एब्सेंट सीजर इसके अंदर जर्की मूवमेंट्स नहीं होती, पेशेंट थोड़ी देर के लिए जो है वो अनकॉन्शियस होता है, टाइमिंग उसकी 10 सेकंड से भी कम होती है।
कहते हैं जनरलाइज एब्सेंट सीजर जो है मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर होते हैं, 4 से 10 साल की एज में होते हैं, 12 साल की एज में जाके बच्चे ठीक हो जाते हैं। जनरलाइज एब्सेंट सीजर जिनको पीटेड माल सीजर भी कहते हैं, पीटेड माल सीजर भी कहते हैं, इसके अंदर जो है पेशेंट अनकॉन्शियस होता है लेकिन टाइमिंग जो है वो 10 सेकंड से कम होती है। पेशेंट अनकॉन्शियस होता है लेकिन टाइमिंग फ्यू सेकंड की होती है, 10 सेकंड से कम लिखा हुआ। जनरलाइज एब्सेंट सीजर के अंदर जो है ज्यादातर बच्चों के अंदर होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं पेशेंट खुद खुद रिकवर कर जाते हैं, तो 12 साल की उम्र में जाके ज्यादातर बच्चे ठीक। इसके अंदर होता है क्या, सपोज करें एक बच्चा बैठा बैठा अपनी आईज की ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा, ब्लिंकिंग तो वो टाइम होगा जिसके अंदर उसको वो जनरलाइज एब्सेंट सीजर का अटैक चल, अपनी आईज ब्लिंक करेगा, वो फ्यू सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस होगा। अगर आपने एक बच्चे को लिखने पे लगाया वो लिखते लिखते वो पेंसिल उसकी रुक जाए वहां पे, अनकॉन्शियस होगा, वो आपको बताएगा कुछ चीजें डिफरेंट हो रही हैं। इसके अलावा इसके मल्टीपल टाइप्स और भी, लिनॉक्स गैस्टोर सिंड्रोम है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सीज है, ड्रेविड सिंड्रोम है। आपको एटलीस्ट जो है एपिलेप्सी की डेफिनेशन वाइवस से रिलेटेड जो एमसीक्यू से रिलेटेड जो है, एपिलेप्सी है क्या, सीजर्स क्या है, एपिलेप्सी की टाइप्स कितनी है, कहते हैं एपिलेप्सी जो इट इज अ हेटरोजीनियस सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स। व्हाट आर सीजर्स, सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ द ब्रेन डिसफंक्शन resulting from abnormal discharge of cerebral neurons. What are seizures? Seizures are finite episodes of brain dysfunction resulting from abnormal discharge of cerebral neuron. Yaad rakhiyega epilepsy ke andar body ke andar zarur se zyada ATPs produce hoti hain. Kuch aam layman ki language mein kehte hain patient ko jhatke lag rahe hain, fits pad rahe hain, uske andar gene aa gaya, wo gene actually ATP hoti hai. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपकी बॉडी की करेंसी जो है, बॉडी की एनर्जी के जो है वो भी एटीपी से सारी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट तो एटीपी जरूर से ज्यादा बनी होती है। इवन कि उसको 5-6 बंदे भी अगर एक पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं पकड़ लो तो सब काबू नहीं कर सकते, वो जीन नहीं होते एक्चुअली, वो एटीपी जरूर से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। कहते हैं सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स। कहते दुनिया के अंदर जो है, ये काफी डिटेल में चाहिए, दुनिया के अंदर जो है 1% पॉपुलेशन जो एपिलेप्सी से सफर करती है। कहते एपिलेप्सी जो है वो इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो सकती है, स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती है, इनको सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी कहा जाता है। कहते कुछ केसेस के अंदर ये भी समझा जाता है जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है, इस तरह की एपिलेप्सी को इडियोपैथिक कहा जाता है। उसके अलावा पेशेंट को एपिलेप्सी ये फिट्स जो है वो बुखार के ज्यादा होने से, जिनको फेब्राइल फिट्स भी कहते हैं पेशेंट का, अगर खासकर बच्चों के अंदर जिनके अंदर एच बी के लेवल डाउन होते हैं, उनके अंदर फीवर का लेवल जो है 104 फारेनहाइट पर या 105 पे जाता है, जिन बच्चों के अंदर एच बी कम है उन्हें फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं जिन्हें फेब्राइल फिट्स कहते हैं। उसके अलावा टॉक्सिन की वजह से फिट्स हो सकते हैं, हाइपोकैलेसीमिया की वजह से भी फिट्स हो सकते हैं पेशेंट को। क्लासिफिकेशन की बात करें बिल्कुल सिंपल सी है, इसके अंदर फोकल सीजर या जनरलाइज सीजर, फोकल या पार्शियल, पास के अंदर इनको पार्शियल कहा जाता था, बात एक ही है कि ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, विच बिगिन इन अ लोकल कॉर्टिकल साइड। फोकल ऑनसेट सीजर जो है वो लोकल कॉर्टिकल साइड से स्टार्ट होंगे, जनरलाइज ऑनसेट सीजर, जनरलाइज का मीनिंग मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व होंगे, विच इन्वॉल्व बोथ ब्रेन हेमिस्फीयर फ्रॉम द ऑनसेट। आगे फोकल सीजर की टाइप बताई गई है, फोकल सीजर के अंदर फोकल अवेयर सीजर और फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर है। फोकल अवेयर सीजर के अंदर जो है सिंपल पार्शियल सीजर भी कहते हैं, पेशेंट होश में होता है, पेशेंट अपने होश हवास को मेंटेन करता होश के अंदर, तो ज्यादातर एपिलेप्सी के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। फोकल इम्पेयर्ड के अंदर अपोजिट हो जाता है, कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं कर सकेगा। टॉनिक कॉलोनी की बात करें तो इसके अंदर जर्की मूवमेंट्स होते हैं, टॉनिक कॉलोनी के अंदर जर्की मूवमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा टॉनिक कॉलोनी कन्वर्जेंस को पास के अंदर ग्रैंड माल भी कहा जाता था। टॉनिक कॉलोनी कन्वर्जेंस जो है
जो फिट्स हैं उनकी टाइमिंग 3 मिनट से कम होती है। जब पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा थक जाता है, कंफ्यूज होता है। अब टॉनिक क्लॉनिक, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक की बात करें जाए, कहते हैं इसके अंदर दोनों हेमिस्फायर इन्वॉल्व होते हैं। अगर जनरलाइज एब्सेंट सीजर की बात की जाए, ये सीजर जो है इनकी टाइमिंग लेस देन 10 सेकेंड होती है। कहते हैं इसके अंदर जो है ये ज्यादातर जनरलाइज एब्सेंट सीजर ज्यादातर बच्चों के अंदर होते हैं और ये 12 साल की उम्र में जाकर जनरलाइज एब्सेंट सीजर जो है उनको ठीक हो जाते हैं। आपने एक बच्चे को कहा, अगर एक बच्चा बैठ के लिख रहा है तो लिखते लिखते उसकी पेंसिल रुक जाएगी, उसको अनकॉन्शियसनेस का अटैक बहुत थोड़े सेकंड्स का होगा, ये एकदम आईज अपनी ब्लिंक करेगा और अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब हम ड्रग की बात करते हैं, इसके अंदर याद रखिएगा चंद ड्रग बहुत कॉमन है। स्टार्ट के अंदर दी जाने वाली जितनी ड्रग हैं, 3-4 ड्रग जो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। आपको मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, काइनेटिक्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट। फेनिटोइन, कहते हैं फेनिटोइन की अगर हम बात करें मैकेनिज्म, देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉकिंग ड्रग है, फेनिटोइन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंटीसीजर। फेनिटोइन के मैकेनिज्म की बात करें, फेनिटोइन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंटीसीजर ड्रग है। कहते हैं इसकी हाफ लाइफ जो है वो 12-36 आवर तक की है। फेनिटोइन जो है कहते हैं ये IM और IV दोनों फॉर्म इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जा सकती है। कहते हैं इसकी फॉर्मुलेशन जो है हाईली डिपेंड करती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, कोई इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं होते, डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन, हाफ लाइफ इसकी 12-36 आवर तक। फॉस्फेनिटोइन जो है ये इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। फेनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर एंटीसीजर ड्रग्स है, फेनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर एंटीसीजर ड्रग्स है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 12-36 आवर है। फेनिटोइन की हाफ लाइफ जो है 12-36 आवर है। फॉस्फेनिटोइन जो है ये IM और IV दोनों फॉर्म के अंदर दी जाती है। अगर हम इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये वेलप्रोइक एसिड या सोडियम वेलप्रोइट के साथ, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ इसके ड्रग इंटरेक्शन है, सल्फोनामाइड के साथ है और वारफेरिन के साथ है। ड्रग इंटरेक्शन है वेलप्रोइक एसिड, बेटा ड्रग इंटरेक्शन पूछे जाते हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, ड्रग इंटरेक्शन MCQs में आते हैं इनके, इसलिए ड्रग इंटरेक्शन का नाम अपने ड्रग को याद कर लें। ड्रग इंटरेक्शन वेलप्रोइक एसिड के साथ है, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ है, सल्फोनामाइड के साथ है और वारफेरिन के साथ है। वेलप्रोइक एसिड के साथ है, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ है, सल्फोनामाइड के साथ है, वारफेरिन के साथ है। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक के अंदर कहते दी जाती है और फोकल सीजर्स के अंदर देते हैं। फेनिटोइन को जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक के अंदर शुरू के अंदर आप देखें फेनिटोइन के अंदर आपके सामने GF लिखा हुआ, तो जी से जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक, एफ से फोकल सीजर है। आपने ड्रग के नाम के आगे वो चीजें लिख लेनी है जहां जहां उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। ये भी कोई ना कोई उसके अंदर फार्मूला होगा GF। तो फेनिटोइन कहाँ का, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक के अंदर और फोकल पार्शियल सीजर्स के अंदर, फोकल सीजर्स के अंदर यूज होगा, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक के अंदर और फोकल सीजर्स के अंदर यूज होगा। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो निस्टैग्मस होगा पेशेंट को, डिप्लोपिया दो नजर आएगा, एटैक्सिया चलने में प्रॉब्लम होगी, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, हिरसुटिज्म, बाल जरूर से ज्यादा। कहते हैं फेनिटोइन जो है वो कभी आपने फीमेल को नहीं देनी, फेनिटोइन ड्रग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर फीमेल, अगर फीमेल को देंगे तो उसके पूरे चेहरे पे बाल आ जाएंगे, तो चंद दिनों के बाद आके आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक करके जाएंगे कि आपने कौन सी दवाई दे दी, तो पूरा चेहरा जो है वो बालों से भर गया। तो फेनिटोइन जो है फीमेल के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, फेनिटोइन को फीमेल के अंदर अवॉइड करना चाहिए। दोबारा हम देखते हैं इसके अंदर निस्टैग्मस है, डिप्लोपिया है, दो नजर आएंगे, टैक्सिया चलने में मसल हो जाएगा,
निस्टैग्मस जो है कहते हैं अनकंट्रोल्ड रेपिटेटिव आई मूवमेंट्स है। निस्टैग्मस क्या? अनकंट्रोल्ड रेपिटेटिव, बार बार आंखों में ब्लिंक करेगा, रेपिटेटिव अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट्स है। उसके बाद उसको दो दो नजर आएंगे, डिप्लोपिया हो जाएगा, एटैक्सिया हो जाएगा, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, चेहरे पे बाल आ जाएंगे, हिर्सुटिज्म हो जाएगा और उसके फेशियल फीचर जो है वो कोर्स हो जाएंगे, उसके जो फेस के जो फीचर्स हैं वो बद्दे हो जाएंगे। एक तो आपने फीमेल के चेहरे पे एसिड रख दे दी जिससे बाल आ गए, उसके बाद उसके फेस के जो फीचर्स हैं वो कोर्स हो गए, बद्दे फीचर हो गए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। कहते हैं ये ड्रग जो है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म की नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया, उसके अलावा फोलेट के लेवल को ड्रग लो करती है, गैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक ग्रैनुलर साइटोसिस हो सकती है, पेशेंट को फीवर और रैश हो सकते हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। अगर फेनिट्रोइन के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो निस्टैग्मस हो सकता है, अनकंट्रोल रेपिटेटिव आई मूवमेंट्स हो सकती हैं, निस्टैग्मस का मीनिंग है डिप्लोपिया, दो दो नजर आएंगे, चले एक मतलब जो आंखें अपनी झपकी जा रहा है, दो दो नजर आएंगे तो चले गए कैसे, चलने में मसला हो जाएगा। उसके बाद ये ड्रग जो है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया काज करती है। कहते हैं फीमेल के चेहरे पे बाल आ जाएंगे, उसकी फेशियल फीचर जो कोर्स हो जाएंगे, सारी ब्यूटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बाल आ जाएंगे, फीचर्स उसके बद्दे हो जाएंगे, पेरिफेरल न्यूरो जोड़ों के अंदर दर्द, नर्व्स के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाएगी, विटामिन डी की एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाएगी, उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो है ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, लो फ्लैट फोलेट लेवल की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकती है, फीवर और रैश हो सकते हैं पेशेंट, और लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। अगर हम फेनिट्रोइन की बात करें तो फेनिट्रोइन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है, फेनिट्रोइन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है, इसके कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं है, हाफ लाइफ इसकी 12-36 आवर है, ये ज्यादातर ओरल फॉर्म में देते हैं, फॉस्फेनिट्रोइन जो है ये आईवी और आईएम दोनों फॉर्म के अंदर देते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो सोडियम वेलप्रेट या वेलप्रिक एसिड के साथ, फिनाइलब्यूटाजोन के साथ, सल्फोनामाइड के साथ और वारफेरिन के साथ इनके ड्रग इंटरेक्शन है। अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये ड्रग जो है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर दे सकते हैं और फोकल सीजर के अंदर इस ड्रग को दिया जा सकता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं ये ड्रग जो है निस्टैग्मस आई से रिलेटेड पहले निस्टैग्मस काज करवाती है, डिप्लोपिया दो दो नजर आएंगे, एटैक्सिया चलने में मसला हो जाएगा पेशेंट को, नॉर्मल गेट हो जाएगी, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, हिर्सुटिज्म हो जाएगा, कोर्स फेशियल फीचर्स हो जाएंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म अबनॉर्मल हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, लो फ्लेट लेवल की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस पेशेंट को हो सकते हैं जिसको फीवर और रैश हो सकते हैं, और लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। अब हम बात करते हैं वेलप्रेट सोडियम, वेलप्रेट सोडियम की बात करेंगे, वंडरफुल ड्रग है। कहते हैं ये ड्रग जो है स्वाय प्रेग्नेंट फीमेल के मेजॉरिटी ऑफ एपिलेप्सीज के अंदर ये काम कर जाती है। फिर दोबारा बात को रिपीट करता हूँ, वेलप्रेट सोडियम या वेलप्रिक एसिड जो है ये ड्रग जो है मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के अंदर इफेक्टिव है। सिर्फ एक मसला पैदा होता है कि ये प्रेगनेंट फीमेल के अंदर मल्टीपल अबनॉर्मेलिटीज फिटस के अंदर प्रोड्यूस करती है, हामला औरतें या वो औरतें जो प्रेगनेंट है उनके अंदर ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वेलप्रेट सोडियम एपीवॉल के नाम से आती है, एपीवॉल चीप ड्रग है, इफेक्टिव है, वरना जितनी ड्रग्स हैं ये सिंगल फॉर्म में भी दे दे तो मोस्ट ऑफ पेशेंट में इफेक्टिव हो जाती है, वरना जितनी ड्रग्स हैं वो ज्यादातर आपको कम्बिनेशन में देनी पड़ती है। वेलप्रेट सोडियम या सोडियम वेलप्रिक एसिड कहते हैं इसका मैकेनिज्म अननोन है, मैकेनिज्म एक्शन कहते हैं अननोन है, कुछ लोग कहते हैं ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और एनमिथाइल डी एस्पार्टेट जो है नेमडा
NMDA, N-methyl D-aspartate, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, NMDA को ब्लॉक करती है और कहती है इंक्रीज करती है गाबा के लेवल को ब्रेन के अंदर। सोडियम वेलप्रेट जो है कहती है इसका मैकेनिज्म अननोन है। ये ड्रग सोडियम करंट को ब्लॉक करती है, NMDA को ब्लॉक करती है और एक गाबा के लेवल को इंक्रीज करती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, सोडियम वेलप्रेट जो है कहते मैकेनिज्म अननोन, लेकिन कुछ अथॉरिटीज कहती है ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, NMDA को ब्लॉक करती है और गाबा के लेवल को ब्रेन के अंदर इंक्रीज करती है। कहते हैं इसकी नियरली कम्प्लीटली 90% अब्सॉर्प्शन हो जाती है इस ड्रग की। एक लेवल फॉर्मुलेशन कहते 90% के लिए ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज इन द लीवर होती है। इसकी हाफ लाइफ 5 to 16 hours तक है। दोबारा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूँ, कहते हैं अननोन मैकेनिज्म। कुछ लोग कहते हैं ये ड्रग जो है सोडियम करंट को और NMDA जो है N-methyl D-aspartate जो है उनको जाकर ब्लॉकेज काज करती है और गाबा के लेवल को इंक्रीज करती है। कहते 90% इसके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग है, लीवर के अंदर हाईली मेटाबोलाइज है और वो जो इसकी हाफ लाइफ जो है 5 to 16 hours है। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो GF MD फार्मूला इसके जनरलाइज सीजर्स के अंदर देते हैं, फोकल सीजर्स के अंदर देते हैं, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस के अंदर देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देते हैं, एब्सेंट सीजर्स के अंदर देते हैं। GF MD फार्मूला याद करना, जनरलाइज सीजर्स के अंदर देते हैं, फोकल सीजर्स के अंदर देते हैं, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस के अंदर देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देते हैं, एब्सेंट सीजर्स के अंदर देते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन GF MD जनरलाइज सीजर्स के अंदर देते हैं, फोकल सीजर्स के अंदर देते हैं, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस के अंदर देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देते हैं, एब्सेंट सीजर्स के अंदर देते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है इस तरह बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, मैकेनिज्म स्टिल अननोन है। कुछ लोग कहते हैं सोडियम चैनल और NMDA जो N-methyl D-aspartate जो उसको ब्लॉक करते हैं और गाबा के लेवल को ब्रेन के अंदर इंक्रीज करते हैं। प्लाज्मा के साथ 90% की बाइंडिंग है और ये ड्रग जो है 90% ज्यादा जो है कहते हैं ये ड्रग जो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर। हाफ लाइफ इसकी 5 to 16 hours तक है। GF MD जनरलाइज सीजर में देते हैं, फोकल सीजर में देते हैं, माइग्रेन के अंदर दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं, एब्सेंट सीजर्स के अंदर दे सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन ईसी लाहौर ईसी आंसर है, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, लिमोट्रिजिन। किन किन ड्रग के साथ इंटरेक्शन है? फिनोबार्बिटॉल के साथ, फेनिटोइन के साथ, कार्बामेजिपिन, लिमोट्रिजिन। फर्स्ट के बाद जो अगले तीनों ड्रग हैं तीनों एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो इन ड्रग के कम्बिनेशन के साथ सोडियम वेलप्रेट या वेलप्रेट एसिड को अवॉइड करना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन क्या, इसी लाहौर फिनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, कार्बामेजिपिन है, लिमोट्रिजिन है। फिनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, कार्बामेजिपिन है, लिमोट्रिजिन है। फिनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, कार्बामेजिपिन है, लिमोट्रिजिन है। मैं दोबारा फिर उसको रिपीट करता हूँ ताकि आपकी ग्रिप बढ़ती जाए। कहते मैकेनिज्म इस ड्रग का स्टिल अननोन है। ये ड्रग जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और NMDA को ब्लॉक करती है, गाबा के लेवल को ब्रेन के अंदर इंक्रीज करती है। 90% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। कहते हैं इसकी जो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर, इसकी हाफ लाइफ 2 to 5 to 16 hours। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें जहाँ जहाँ पे ड्रग यूज हो सकती है, क्लिनिकल एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ का यूज, जनरलाइज सीजर में यूज, जी से जनरलाइज सीजर, एफ से फोकस सीजर, एम से माइग्रेन, बी से बाइपोलर डिसऑर्डर, ए से एब्सेंट सीजर। अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो फार्मूला पीसी लाहौर, फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, कार्बामेजिपिन है, लिमोट्रिजिन है। टॉक्सिसिटी याद रखिएगा इसकी दो चीजें, GF यहाँ पे भी GF का वर्ड हमने यूज किया, जी से GIT से रिलेटेड आपके डाइजेशन के सिस्टम से रिलेटेड मेजर एडवर्स इफेक्ट, एफ से फ्यूटोटॉक्सिक ड्रग है, जिससे GIT से रिलेटेड प्रॉब्लम, एफ से फ्यूटोटॉक्सिक ड्रग है।
कहते ये ड्रग इंक्रीज एपिटाइट, मैं आसान लफ्जों में इसको बताता हूँ, अगर एक बंदे की भूख बढ़ रही है किसी ड्रग की वजह से तो उसका वेट बढ़ेगा, इंक्रीज एपिटाइट होगी, वेट वेट गेन होगा, इंक्रीज एपिटाइट होगी भूख बढ़ेगी तो वजन बढ़ जाएगा, ज्यादा खाएगा तो पेट में दर्द होगी, ज्यादा खाने की वजह से हार्ट बर्न, बदहजमी, सीने में जलन होगी, ज्यादा खाने की वजह से उसको नौसिया होगा, ज्यादा खाने की वजह से वॉमिटिंग। अगर वो फिर भी खाने से बाज नहीं आ रहा, ड्रग की बात कर रहे हैं, ड्रग जब इफेक्ट करते हैं खाने से बाज नहीं आ रहा बंदा, तो पेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। याद रखिए जब भी पेटोटॉक्सिसिटी होती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर फाइन ट्रेमर्स होते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, फाइन ट्रेमर्स होते हैं, तो पेटोटॉक्सिसिटी की वजह से ही हेयर लॉस होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर सिरोसिस होती है उनके अंदर हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, तो पेटोटॉक्सिसिटी जब होगी पेशेंट को फाइन ट्रेमर्स होंगे, हेयर लॉस होगा। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, इंक्रीज एपिटाइट की वजह से वेट गेन होगा, अब्डोमिनल पेन होगी, हार्ट बर्न होगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी, फाइन ट्रेमर्स होगा, हेयर लॉस होगा। कहते हैं ये ड्रग जो है फेटल हाइपर एमोनोमिया काज करती है, हाइपर एमोनीमिया काज करती है जिस वजह से इंसेफलोपैथी हो सकती है, ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस काज करती है। अब फिटस की बात करें, स्पाइना बाइफेडा पेशेंट को हो सकता है, मोरो के अंदर प्रॉब्लम होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल एंड डिजिटल अबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफेडा मोस्ट कॉमन है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टैक्ट जो बल्ज आउट हो जाते हैं वर्टिब्रा से, स्पाइना बाइफेडा, कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल एंड डिजिटल अबनॉर्मेलिटीज, ये ड्रग जो है वेलप्रेट, सोडियम वेलप्रेट या वेलप्रेट एसिड जो है जीआईटी के अंदर मेजर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, उसका वो ये ड्रग जो फीटस के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये ड्रग जो है फीटस के लिए कॉन्ट्रा। एपिटाइट को इंक्रीज करती है वेट गेन, ये ड्रग जो है देखिए मैं कहता हूँ एक ड्रग जो भूख को बढ़ा रहे तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा, ज़्यादा खाएगा भूख बढ़ेगी, वेट बढ़ रहा तो हार्ट बर्न हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, पेटोटॉक्स ज़्यादा खाने से अगर उसने कोई गंदी चीज़ खा ली तो पेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। जब भी पेटोटॉक्सिसिटी का बढ़ेगा दो चीज़ें, फाइन ट्रेमर्स होंगे पेशेंट को और हेयर लॉस होगा। ये कहते हैं ये ड्रग जो फेटल हाइपर एमोनीमिया एमोनीमिक इंसेफलोपैथी काज कर सकती है, फीटस के अंदर जो है स्पाइना बाइफेडा, कार्डियोवैस्कुलर ओरोफेशियल और डिजिटल एब्नॉर्मलिटीज काज करती है। सोडियम वेलप्रेट वेलप्रिक एसिड जो है कहते हैं इसका मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और एनमेथाइल डी एस्पार्टेट को ब्लॉक करती है और गाबा के लेवल को बढ़ाती है। कहते हैं 90% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, एक्सटेंसिवली मेटाबलाइज होती है लीवर के अंदर, हाफ लाइफ जो है इसकी 5 से 16 घंटे। क्लिनिकल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये ड्रग जो है जनरलाइज सीजर में इसको यूज कर सकते हैं, जी से एफ से फोकल सीजर में, एम से माइग्रेन के लिए प्रोफ्लेक्सिस में दे सकते हैं, बी से बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं, ए से एब्सेंट सीजर में दे सकते हैं। जनरलाइज सीजर, फोकल सीजर, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और एब्सेंट सीजर में इसको दे सकते हैं। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, फार्मूला याद रखना है, पीसी लॉ होगा, पी से फिनोबार्बिटोल है, पी से फेनिटोइन है, सी से कार्बामेज़ेपिन है, एल से लैमोट्रिजिन। फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन और लैमोट्रिजिन के साथ इसके ड्रग इंटरेक्शन है। एडवर्स इफेक्ट जो है इसके जीआईटी से रिलेटेड है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो कहते हैं ये ड्रग जो एपिटाइट को बढ़ाती है, कोई भी चीज़ जो एपिटाइट को बढ़ाएगी वेट को बढ़ाएगी,
जब वेट बढ़ेगा, पेशेंट ज्यादा खाएगा, उसको हार्ट बर्न, सीने में जलन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग ज्यादा खाने से, अगर गंदी चीज खा रही तो पेशेंट को पैटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, उस पैटिक टॉक्सिसिटी की वजह से फाइन ट्रेमर हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है। कहते हैं फेटल, ये ड्रग जो फेटल हाइपर एमोनीमिक इंसेफलोपैथी काज करती है, उसके अलावा ये ड्रग स्पाइना बाइफेडा काज करती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम काज करती है, ओरोफेशियल और डिजिटल अबनॉर्मलिटीज काज करती है। अगर हम कार्बामेजिपिन की बात करें, उसके बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन है कार्बामेजिपिन, कहते हैं ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अभी तक हमने तीनों ड्रग जो पढ़ी हैं, फेंटोइन पढ़ी है, सोडियम वैलप्रोट पढ़ी, कार्बामेजिपिन पढ़ी, तीनों सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन, कहते हैं ये ड्रग जो है जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, GFTB जनरलाइज एपिलेप्सी, फोकस सीजर, ट्राइजरमी न्यूरोलॉजी में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं। कार्बामेजिपिन जो सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहा है, जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, फोकस सीजर में दे सकते हैं, ट्राइजरमी न्यूरोलॉजी में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं। कहते हैं कार्बामेजिपिन जो है सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहा है, ये जनरलाइज सीजर में दे सकते हैं, फोकस सीजर में दे सकते हैं, ट्राइजर्मिनल न्यूरोलॉजी में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं। कार्बामेजिपिन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है, इस ड्रग की अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए, इस ड्रग को जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, फोकल सीजर्स के अंदर दे सकते हैं, ट्राइजर्मिनल न्यूरोलॉजी के अंदर दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दे सकते हैं। ओरली अब्सॉर्ब होती है बायोअवेलेबिलिटी 75-85% है। ऐसे इसकी जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 25-65 घंटे तक इसकी हाफ लाइफ है। अब इंटरेक्शन, पीएम इज अ वेरी फूल, पीएम प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी फूल, आगे डी जी से जो आपका दिल करता बना लीजिए, पीएम इज अ वेरी फूल, डी पी से फेनोटाइन, प्रोप्रोक्सीफीन, फिनोबार्बिटॉल, प्रिमिडोन, एम से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, आई से आइसोनियाजिड, वी से वरापामिल, एफ से फ्लॉक्सेटिन, डी से डेनाजोल। दोबारा हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं, किसके ड्रग इंटरेक्शन किन किन ड्रग के साथ है। पी से फेनोटाइन है, पी से प्रोप्रोक्सीफीन है, फिनोबार्बिटॉल है, प्रिमिडोन है, एम से मैक्रोलाइड, आई से आइसोनियाजिड, वी से वरापामिल, एफ से फ्लॉक्सेटिन। पी से फेनोटाइन, प्रोप्रोक्सीफीन, फिनोबार्बिटॉल, प्रिमिडोन, एम से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, आई से आयन आइसोनियाजिड, वी से वरापामिल, एफ से फ्लॉक्सेटिन, डी से डेनाजोल। टॉक्सिसिटी की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला DHA, डी से ये ड्रग जो डिप्लोपिया काज करती है, एस से हाइपोनेट्रीमिया, हेपेटिक डिसफंक्शन काज करती है, ए से एटैक्सिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और ए ग्रैनुलोसाइटोसिस काज करती है। टॉक्सिसिटी के कार्बामेजिपिन का जो है फॉर्मूला जो है DHA, डी से ये ड्रग डिप्लोपिया काज करती है, ऐसे हाइपोनेट्रीमिया काज करती है, ऐसे हेपेटिक डिसफंक्शन काज करती है, ए से एटैक्सिया काज करती है, ए प्लास्टिक एनीमिया काज करती है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस काज करती है। ये ड्रग जो है डिप्लोपिया काज करती है, हाइपोनेट्रीमिया काज करती है, हेपेटिक डिसफंक्शन काज करती है, एटैक्सिया काज करती है, ए प्लास्टिक एनीमिया काज करती है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस काज करती है। ड्रग इंटरेक्शन की बात की जाए तो फार्मूला पीएम इज वेरी फूल, डी पहला पी का वर्ड है, फेनोटाइन, प्रोप्रोक्सीफीन, फिनोफार्बिटोल, प्रिमिडोन के साथ ड्रग इंटरेक्शन, एम से मैक्रोलाइड के एंटीबायोटिक के साथ, आई से आइसोनियाजिड के साथ, वी से वरापामिल, एफ से फ्लॉक्सेटिन, डी से डेनाजोल। टॉक्सिसिटी की बात कीजिए तो DHA
डिप्लोपिया कॉज करती है, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपेटिक डिसफंक्शन कॉज करती है, एटैक्सिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एग्रैनुलोसाइटोसिस कॉज करती है। कार्बामेज़ेपिन को रिपीट करके फिर हम चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करते हैं दोबारा। कार्बामेज़ेपिन फार्मूला याद रखना, GFTB कहते हैं ये ड्रग जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये ड्रग जनरलाइज सीजर, फोकल सीजर, ट्राइजर्मिनल निकल सकते तो वर्ड ट्राइजर्मिनल न्यूरोलॉजिया के अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर दे सकते हैं। कहते हैं इस ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है 75-85%, हाफ लाइफ की अगर इसकी बात की जाए तो 25-65 आवर्स। ड्रग इंटरेक्शन की बात की तो पीएम इज वेरी फुल, डी पी से वर्ड सर है, फेनेटोइन है, फिनोबार्बिटोल है, प्रेमिडोन है, प्रोपॉक्सिफीन है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, आइसोनियाजिड है, वरेपामील है, फ्लोक्सिटीन है, डेनाजोल है, डेनाजोल। टॉक्सिसिटी की बात करें DHA, डी से डिप्लोपिया, एस से हाइपरनेट्रेमिया, पैटिक डिसफंक्शन, ए से एटैक्सिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, डी से डिप्लोपिया, एस से हाइपरनेट्रेमिया, पैटिक डिसफंक्शन, ए एटैक्सिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, अगर डिप्लोपिया, हाइपरनेट्रेमिया, पैटिक डिसफंक्शन, ए एटैक्सिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। तो अगर ड्रग की दोबारा बात करें थोड़ा थोड़ा वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं ड्रग्स, तो तीन ड्रग्स हमने देखी हैं, पढ़ी मल्टीपल ड्रग्स हैं, कुछ करें कर लेक्चर में तमाम ड्रग्स हम कवर अप कर सके, लेकिन ये ड्रग्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फेनेटोइन, वेलप्रेट सोडियम कार्बामेज़ेपिन। फेनेटोइन की बात करते हैं, ड्रग जो कहते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है, फेनेटोइन जो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है। तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, डोज डिपेंडेंट इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ 12-36 घंटे, फॉस्फोलिपिड जो कह रहे हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो वेलप्रिक एसिड, फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फोनामाइड और वारफेरिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन क्लिनिकल फेनेटोइन के आगे GF लिखा हुआ, तो जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर के अंदर इस ड्रग को दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी आई से रिलेटेड है, निस्टैग्मस हो सकता है पेशेंट को, डिप्लोपिया हो सकता है, एटैक्सिया हो सकता है, चेंजेबल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, हिर्सुटिज्म हो सकता है, पोर स्पेशियल फीचर पेशेंट को हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नॉर्मेलिटीज हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, लो फ्लेट लेवल की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है जिसके पेशेंट को फीवर और रैश हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। वेलप्रेट सोडियम और डाई वेलप्रेट सोडियम और सोडियम वेलप्रेट जो है ये ड्रग जो है कहते हैं इनका मैकेनिज्म अननोन है। वेलप्रेट सोडियम कहते हैं मैकेनिज्म अननोन, लेकिन कुछ अथॉरिटीज कहते हैं ये ड्रग सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, नेमडा को ब्लॉक करते हैं और गाबा के लेवल में इंक्रीज करते हैं। करेटिक्स की बात करते हैं, ये ड्रग 90% जो है अब्सॉर्ब होती है, कहते काइनेटिक्स की बात करते हैं 90% ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है, कहते हैं इसे एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज इन द लीवर, हाफ लाइफ 5-16 घंटे है। क्रिटिकल एप्लीकेशन की GF सेरेब्रल सीजर के अंदर, फोकल सीजर के अंदर, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं, एब्सेंट सीजर के अंदर दे सकते हैं, जनरलाइज सीजर में दे सकते हैं, फोकल सीजर में दे सकते हैं, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं और एब्सेंट सीजर में दे सकते हैं।
अगर ड्रग इंटरेक्शन पे आप आ जाए तो ये ड्रग जो है जिन जिन ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन है, पीसी लाहौर फार्मूला, पीसी लाहौर पी से फिनोबारबिटोल, पी से फेनिटोइन, सी से कार्बामेजिपिन, एम से लिमोट्रिजिन। फिनोबारबिटोल फेनिटोइन कार्बामेजिपिन लिमोट्रिजिन, फिनोबारबिटोल फेनिटोइन कार्बामेजिपिन लिमोट्रिजिन, फिनोबारबिटोल फेनिटोइन कार्बामेजिपिन लिमोट्रिजिन, फिनोबारबिटोल फेनिटोइन कार्बामेजिपिन एंड लिमोट्रिजिन। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये ड्रग जी आई टी से रिलेटेड टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। याद रखिएगा वेलप्रेट सोडियम या सोडियम वेलप्रेट एसिड, ये ड्रग जो है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वेलप्रेट सोडियम जो है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वेलप्रेट सोडियम जो है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये ड्रग जो एपिटाइट को बढ़ाती है, वेट गेन काज करवाती है, अब्डोमिनल पेन काज करवाती है, हार्ट बर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, पेटोटॉक्सिसिटी के मैंने आपको बताया, जब भी पेटोटॉक्सिसिटी सी एल डी की बात होती है पेशेंट को फाइन ट्रेमर होंगे, हेयर लॉस होगा। कहते हैं ये ड्रग जो फेटल हाइपर एमोनीमिक इंसेफलोपैथी काज करती है, ये ड्रग फेटल हाइपर एमोनीमिक स्पाइना बाइफिडा काज करती है। स्पाइनल बाइफिडा काज करती है कार्डियोवास्कुलर ओरोफेशियल डिजिटल एब्डोमिफिटिस के अंदर, ये जो है स्पाइनल बाइफिडा काज करती है कार्डियोवास्कुलर ओरोफेशियल डिजिटल एब्डोमिनलिटी काज करती है। कार्बामेजिपिन, कार्बामेजिपिन की अगर बात की जाए तो ये ड्रग जो है सोडियम चैनल, ये ड्रग भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। कार्बामेजिपिन की बात की जाए तो ये ड्रग भी जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। कार्बामेजिपिन जो है ये ड्रग भी जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अब हम क्लिनिकल एप्लीकेशन को देखते हैं। ये ड्रग जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, फोकल एपिलेप्सी में दे सकते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे सकते हैं, जीएफ को टीबी होगी, जनरलाइज एपिलेप्सी में दे सकते हैं, फोकल सीजर्स के अंदर दे सकते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी के अंदर दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दे सकते हैं। कहते हैं ये जो ड्रग है इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो 75-85% है, हाफ लाइफ इसकी 25-65 आवर। अगर हम इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो फार्मूला अपने याद रखना, पीएम इज वेरी फुल डी, पी से फेनिटोइन, पी से फेनिटोइन, प्रोपॉक्सिफेन, फिनोबारबिटोल, प्रेमिडोन, एम से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो फार्मूला है डीएचए, टॉक्सिसिटीज के लिए फार्मूला डीएचए, डीएचए ये ड्रग जो है डी से डिप्लोपिया काज करती है, एच से हाइपरनेट्रीमिया काज करती है, एच से हेपेटिक डिसफंक्शन काज करती है, ए सी ए टैक्सिया काज करती है, ए सी ए प्लास्टिक एनीमिया काज करती है, ए सी ए ग्रैनुलोसाइटोसिस काज करती है। अब आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, आप अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है, आप अपने क्लिनिक पे बैठे होते हैं, पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं, चर्की मूवमेंट्स होती हैं, आप कैसे कन्फर्म करेंगे है या नहीं? एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आपके पास आता है, अचानक उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को एपिलेप्सी है या नहीं? याद रखिएगा क्लिनिक के लिए कहते हैं जब भी फिट्स पड़ते हैं पेशेंट को, जर्की मोमेंट्स होते हैं, टॉनिक क्रॉनिक मोमेंट्स होते हैं, उसके अंदर पेशेंट को यूरिन या स्टूल जरूर पास हो जाता है थोड़ा सा, पेशेंट को फिट्स के दौरान यूरिन पास आउट कर देता है या थोड़ा सा स्टूल पास करता है। अगर पेशेंट यूरिन या स्टूल पास नहीं कर रहा और पेशेंट के जो फिट्स का टाइम है फ्यू मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स कर ले, इससे भी ज़्यादा उसको फिट्स पड़ी जा रहे हैं तो पेशेंट फंक्शनल है, ड्रामा कर रहा है। अगर पेशेंट के फिट्स का टाइम जो है 3 मिनट से ज़्यादा हो जाता है उसको, तो
तो पेशेंट फंक्शनल हो सकता है, पेशेंट ड्रामा कर रहा हो सकता है। इसके लिए टेस्ट जो है ईईजी टेस्ट करते हैं। ईईजी टेस्ट होता है ब्रेन के अंदर लिमिट्स लगा के उसके अंदर डेल्टा वेव को चेक करते हैं। अगर ईईजी के अंदर डेल्टा वेव्स आ जाती हैं तो पेशेंट को अंडरलाइंग एपिलेप्सी चाहिए, लेकिन अगर डेल्टा वेव्स नहीं भी आती पेशेंट के अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को ड्रग पर पुट किया जाता है। याद रखिएगा एपिलेप्सी की ड्रग्स एक बार स्टार्ट हो जाए उसको कभी बंद नहीं करते, ये ड्रग जिंदगी भर पेशेंट ने खानी होती है। एपिलेप्सी की ड्रग जो है अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो ये ड्रग जिंदगी भर चलती है, इन ड्रग को बंद नहीं करना होता। दूसरा, एक पेशेंट अगर उसको एपिलेप्सी के फिट्स पड़ रहे हैं, अगर एक पेशेंट को एपिलेप्सी के फिट्स पड़ रहे हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करते। अगर आप कर सकते हैं तो जहाँ पर उसको गिर पड़ा है उसको झटके लग रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर अगर कोई पत्थर वगैरह टाइप की चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जिससे सर के जख्मी होने के चांसेस है उसको साइड पे कर दें, पेशेंट को पकड़ने की कोशिश ना करें। जैसे फिट्स का टाइम पूरा होगा पेशेंट के अंदर होश में आना शुरू होगा तो चीज़ें स्टेप बाई स्टेप बेहतर हो जाएंगी। जब फिट्स पड़ते हैं तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आती है एटीपी की वजह से, जब फिट्स का टाइम गुजर जाता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्ज कन्फ्यूज थक जाता है, कन्फ्यूज हो रहा होता है और अक्सर पेशेंट के पास स्लीप में चले जाते हैं, सो जाते हैं। कोई भी पेशेंट जिसको आपको डाउट है उसको एपिलेप्सी है, अगर उसको फिट्स पड़ने हैं, फिट्स पड़ने के साथ जो है उसको यूरिन या स्टूल पास नहीं हो रहा तो पेशेंट को जो है एपिलेप्सी नहीं है, पेशेंट फंक्शनल है। एपिलेप्सी जो है हेटरोजीनियस सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स है, कहते क्रॉनिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट सीजर्स। व्हाट आर द सीजर्स? सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रम न्यूरॉन। सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रम न्यूरॉन। व्हाट आर सीजर्स? सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रम न्यूरॉन। एपिलेप्सी इज अ हेटरोजीनियस कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स का, हेटरोजीनियस सिम्टम्स का एक कम्प्लेक्स है और एक करेक्टराइज किया जाता है बाय रिकरेंट सीजर्स। मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, कम्प्लेक्स टाइप का डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट को सीजर्स होते हैं। व्हाट आर सीजर्स? सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ द ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रम न्यूरॉन। सीजर्स आर फाइनाइट एपिसोड्स ऑफ द ब्रेन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रम न्यूरॉन। आपने एपिलेप्सी की डेफिनेशन, एपिलेप्सी की थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी है वो आपने देखा, उसके टाइप्स को देखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, टाइप्स के अंदर देखने टाइप्स को देखना और कोशिश कीजिएगा तीन ड्रग्स हैं वो पढ़ के पहला वो फर्दर अगली ड्रग्स देखेंगे और जो पीछे वाला लेक्चर है उसको भी समराइज करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटी सीजर ड्रग जो है उसकी क्लासिफिकेशन भी आपने याद करनी है, क्लासिफिकेशन कल वाले लेक्चर में शो करूँगा आपको कौन सी टाइप की एपिलेप्सी के अंदर कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं। ये इसके अंदर मल्टीपल फार्मूलाज दिए गए हैं, एफ से फोकल सीजर था, किसी का नाम नहीं लिखा गया, एफ से मीन फोकल सीजर्स हैं। थैंक यू।